बोलो पास में आओ, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मैंने विष्णु भगवान के दर्शन किए हैं, तो क्या ये सच है या कोई भ्रम है? बचपन में? हाँ जी। कितने महीने के थे तुम? होंगे 4-5 साल के कुछ। तो तुम्हें याद है विष्णु भगवान दर्शन किया आपने? हाँ, वो सीन बस हमेशा दिमाग में रहता है, तो हमेशा सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हुआ था। क्या देखा था आपने बचपन में? मतलब हम तालबेट में रहते थे, तो खड़े हैं और सामने मकान और आसमान में देख रहे, तो कुछ ऐसे। तो आसमान में देखे थे कि कहाँ? आसमान। सोते हुए जगते हुए? भगवान। हाँ भगवान तो बस ऐसे दिखे थे, मतलब कुछ ऐसी, मतलब हमेशा दिमाग में है कि कुछ ऐसी देखी थी हमने, जैसे ये फोटो में नहीं देखते विष्णु भगवान। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। तो क्या चाहते हैं हम बता दें, क्या दिखे थे? हाँ मतलब हम ये चाहते हैं कि क्या ये मतलब सच है या कोई भ्रम है। माइक नीचे रखिए। हरि विष्णु का दिव्य दर्शन बचपन में किया है, भ्रम नहीं है, ये सत्य है। आकाश मार्ग में देखा है। प्रथम स्त्री नाम सोनम है, नाम देव से, तलाक, जॉब टीचर मोहवा में है। क्या नाम है पत्नी का? दूसरी पत्नी का नाम क्या है? दूसरी का नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? हमारी गारंटी है, देव से तलाक, जॉब टीचर मोहवा में है, कोई देव के चक्कर में आपका दिमाग घुमा है, देव कृपा होगी। और आपकी पत्नी इस समय मोहवा में टीचर है, माने मास्टर है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। है कि नहीं? हाँ जी। है कि नहीं? हाँ है। और आप, आपने बचपन में जो भ्रम नहीं है ये सत्य है। तो गुरु जी ये रहस्य क्या है? क्योंकि ये है सत्य कि आप पूर्व में देवताओं की टोली में रामा दल के अंदर आपका भाग रहा है, आप बानर के रूप में रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी। ये पुनर्वाय किससे होगा? जो मुझे समझ में आया मैं बता दिया, मानना ना मानना आपके हाथ में, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देता नहीं हूँ। जो प्रश्न का उत्तर आया मैंने बोल दिया, आगे तुम जाओ तुम्हारा काम। जैसे आपने प्रश्न पूछा वो प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर उत्तर लिखा है। यदि मानना हो तो ठीक, नहीं मानना हो तो ठीक। पास में आओ, ये पर्चा तो दूसरे को है। तुमने छीना छानी करी क्या? नहीं नहीं, आप शुरू में मुझे मिली। मिली? हाँ। पक्की? ठीक है तो पकड़ ली। फेंकी मिली? तो आपके मन में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आपको तो परसों नहीं है ना? नहीं है। क्या प्रश्न है? मेरे और मेरे भाई की जॉब हो जाए। हाँ? मेरे और मेरे भाई की जॉब हो जाए। तुम्हारे और तुम्हारे भाई की जॉब हो जाए बस। और क्या करते हैं, मेरी जमीन है। तो तुम ये क्यों सोच रहे थे कि इसमें शक्ति हो तो पर्चा हमारा खाली हो जाए तो जाने? ऐसा क्यों सोचा आपने? नहीं, तुमने पर्चा क्यों खोला फिर? ये पंची नहीं था उसमें, खोला नहीं है मैंने। इसमें पर्चा पढ़ा आपने निकाल के? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? नहीं है। आपका पर्चा खाली है। चिंता मत कर। क्या नाम है तेरा? संदीप। आपने किसी बताया नहीं? संदीप कुमार की सरकारी जॉब होगी, भाई की सहायता होगी। पंडुक सरकार में 11 कन्या कराना, मनोरथ पूर्ण होगा, दोनों भाई की जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद है। जमीन के बारे में लिखना पड़ेगा। लिख देता हूँ, तेरा लिख दो थोड़ा। नहीं कह रहा तो लिख देता। भाई का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह यादव। जाओ जमीन मिल जाएगी। बोले मेरे बाबा हैं, उनके को कुछ क्रिया करते हैं। फिर तंत्र क्रिया है घर में। जमीन दूसरे को दिया है बाबा ने। बाबा का नाम क्या है? जाओ बच्चन सिंह से, बच्चन सिंह की जमीन प्राप्त होगी आशीर्वाद। ठीक है ना?
जो गारंटी हमारी है, पंडुकर धाम 5 अमाउंट से कर हो तो गारंटी हमारी है, और जो हमने पर्चा लिखता हो है जाको तत्काल पुष्पावती में डालने हैं, ठीक है ना। जाओ तो भाई बच्चन सिंह से जमीन मिल जाए, गुरु कृपा हो जाए, आशीर्वाद है, ठीक है। और जो तो आपने पढ़ ही लो पर्चा, गलत तो नहीं लिखो तुम लो। अब ये कही है कि कन्या करा दियो, गारंटी हमारी चकाचक हो जाए, आशीर्वाद है। नहीं करो तो तुम जाओ, तुम काम जाने, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। और बच्चन से, बच्चन सिंह से जमीन प्राप्त हो जाए, करने आपको पर है तो लाभ मिल जाए, नहीं करो तुम जाओ तो काम जाने, ठीक है ना। जाओ बाहू। और इसके बाद आपका नंबर है, तुम्हारी पर्ची कटी है, आज ही कटी है। ओ भैया, बड़े बड़े पर्ची वाले आ रहा था, आज ही पर्ची कट रही, नंबर आ रहा है। पास में आ जाओ, कहां से आए हो, ये लिफाफा कैसे मिला तुम्हें, कुल उठा रहा हो तो कितने हैं अभी, वे वाले हैं, इनने तुम्हें हाथ उठाओ तो क्या फेंको, तो फेंको तो कहां से पैसा लेके आए हो, सरकारी जॉब, कहा नाम दो, अनुज कुमार, आपने किसी को बताई थी क्या, नाम अनुज कुमार है, सरकारी जॉब 3 नवंबर 2024 तक हो जाएगी, आशीर्वाद पैसा देना पड़ेंगे, आशीर्वाद है। यदि कर ले हो तो 16 मई तुम्हारी 2023 में भी जॉब कोई हो गए, कह रहा हूं क्या, नहीं कह रहे हो, जाओ जॉब हो जाए, उपाय कर लियो, यदि कर हो तो लाभ मिल जाए, नींबू केला का पत्ता 11 पीपल के पत्ते पर रोली सिंदूर रख के ओम श्रीम पटवा लिख करके पुष्पावती में डाल दियो, लाभ हो जाए और तुम्हारे सभी ग्रह शांत हो जाए, आशीर्वाद है, ठीक है ना। और बाकी के एक बात और भी तुम्हारी है, उल्टे सुलटे काम बंद कर दो, है ना, शादी हो गई तो उल्टे सुलटे काम, ये गलगा तो थप्पड़ थोपड़ा बिगड़ जाएगा यार, तो डर जाओ, पकड़ो कान, नहीं नाम बताएं फिर हम नहीं बताएं, माई सोल तो चक्कर चल रहा हो तुम, हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, अनिल कुमार की जॉब हो जाए, आशीर्वाद, चबक ये उल्टे सुलटे छोड़ दो, नहीं तो अब फोटो दिखाएं। और अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल स्वादिष्ट बरा और मंगोड़ी, शहर का एकमात्र स्थान तो जरूर पधारें द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर।